गुजरात के जामनगर नॉर्थ सीट से भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा एक तरीके से जीत चुकी हैं, बस एक औपचारिकता भर बाकी रह गई है। रविंद्र जडेजा की पत्नी ने 3 साल पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी, इससे पहले वो करणी सेना से जुड़ी रही। इसके अलावा तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई थी। जडेजा भी हमेशा से ही उनका सपोर्ट करते नजर आते हैं। चुनावी प्रचार में भी उन्होंने अपनी पत्नी का खूब साथ दिया। चुनाव में मिले भरपूर प्यार के बाद रिवाबा ने क्या कहा, सुनिए। हमारा जो केंद्र का नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, सी.आर. पाटिल जी हैं, और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे हम जिसे अब वापस देखेंगे, ऐसे हमारे भूपेंद्र भाई पटेल हैं, सी.आर. पाटिल जी, ये सब उनका जो एक संगठन की पूरी टीम, उनकी ताकत के लिए भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने जिस हिसाब से, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में, वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया, लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर, और पूरे एक महीने की जो लगन, जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने जिस हिसाब से, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में, वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया, लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर, और पूरे एक महीने की जो लगन, जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है, और ये जीत मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा। देखिए, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है, उन पे अविरत विकास की जो यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी, और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो डेफिनेटली कहूँगी कि हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात का जो मॉडल है, उसमें जहाँ जहाँ अभी जो जो विकास चल रहे हैं, उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पर आगे बढ़े, और वही एक मंत्र रहेगा मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी के रूप में हैं, जीत के धारासभ्य बनते हैं, तो उनका एक वही चयन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़कर जो डेवलपमेंट के काम हो वो आगे बढ़े। आपको बता दें, उम्मीदवारी के बाद रिवाबा कई कारणों की वजह से सुर्खियों में रही। पहला कि वो क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी हैं, और दूसरा ये कि उनकी भाभी विपक्षी पार्टी कांग्रेस में है और वो उनके खिलाफ प्रचार में उतरी थी। रिवाबा मूल रूप से राजकोट की है, उनके पिता शहर के जाने माने बिजनेसमैन है। आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान के दिन भी रिवाबा जडेजा काफी सादगी भरे अंदाज में नजर आई थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें जामनगर की जनता पर भरोसा है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।